लेकिन ये महिला शक्ति की बात मंच पर तो बहुत अच्छी लगती है, एक तो वहाँ पर पहुँचना राजनीति में इस कदम तक कितना मुश्किल होता है? देखिए ऐसा है किसी भी फील्ड में, आज भी इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो पत्रकारिता हो, पॉलिटिक्स हो, फोर्सेस हो, इट इज़ टफ। बट अभी इस समय अगर मैं 2017 से बात करूं, सोच बदल रही है, और जब सोच बदलती है, जब समाज बदलने लगता है और ये निर्णय करता है कि अब हम महिलाओं को जो उनका अधिकार है वो उनको हम देंगे, उनको आगे बढ़ाने में उनके साथ खड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम फॉर अस। आई थिंक वीमेन, इट इज़ टफ, नो डाउट्स, पॉलिटिक्स इज़ वेरी वेरी टफ फॉर वीमेन, बट हम मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, महिलाएं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करती हैं, तो इसलिए हर काम को बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से, और परिवार हो, घर हो, चाहे समाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, आई थिंक वी आर वेरी एबल एंड केपेबल, और इस समय हमें बहुत मौके भी दिए जा रहे हैं। जी, आपके नेतृत्व, तो आपकी एबिलिटी पर तो कोई शक नहीं करता, लेकिन एक और मुश्किल जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं, विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने आप में एक न्यायमूर्ति जैसी जिम्मेदारी, और जब सरकार आपकी हो उस समय दोनों तरफ देख कर बराबर जस्टिस करना, कैसे आप इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं? देखिए कठिन कुछ नहीं होता है, जब आप एक संस्कार से आते हैं, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स हैं, एक ऐसे संगठन से आती हूँ जो हमें देशभक्त होना सिखाता है, न्यूट्रल होना सिखाता है, अपने पद की गरिमा रखना सिखाता है। जब इस तरह के संस्कार आपके अंदर होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी पद को निभाना बहुत कठिन होता है। स्पीकर का पद बहुत गरिमामयी पद है, और उसको मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि गरिमा से न्यूट्रल रहकर उस पर अपनी जो मेरी भूमिका है उसको मैं निभाऊँ। मैडम, अक्सर कहा जाता है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो लोग करते हैं, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं राजनीति में आ जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, लेकिन उससे पूरा जो महिला समाज है हमारा या सोसाइटी है उसमें महिलाओं का विकास अभी उस